दोस्तों आईपीएल 2022 के 33वें मुकाबले में मुंबई और चेन्नई की टीमें आमने सामने थी और एक बार फिर धोनी ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का बेस्ट फिनिशर माना जाता है। वहीं मैच के बाद कप्तान रविंद्र जडेजा धोनी के सामने नतमस्तक हो गए, साथ ही अंबाती रायडू ने भी एमएस धोनी की फिनिशिंग को देखकर उन्हें हाथ जोड़ लिए। वहीं फिर जडेजा ने मैच के बाद धोनी को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसने सभी का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, पूरी खबर को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहीं अगर आप भी धोनी को दुनिया का बेस्ट फिनिशर मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2022 में अपनी दूसरी जीत दर्ज करते हुए मुंबई इंडियंस को रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर 3 विकेट से हरा दिया। नवी मुंबई की डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बाएं हाथ की महाराष्ट्र के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने धमाकेदार शुरुआती स्पेल के दम पर मुंबई की हालत खराब कर दी। पहले 3 ओवरों में ही 3 विकेट गंवाने के बाद मुंबई ने तिलक वर्मा की जुझारू अर्धशतक पारी और आखिरी ओवर में जयदेव उनादकट के तेजी से बनाए गए रनों की मदद से 155 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया, जिसने मुंबई के गेंदबाजों को मुकाबले में टिकने का थोड़ा मौका दिया। मुंबई के गेंदबाजों ने भी दमदार प्रदर्शन किया और टीम को जीत के करीब ले गए, लेकिन आखिरी ओवर में फिनिशर धोनी ने मुंबई की उम्मीदों को भी फिनिश कर दिया। चेन्नई को 26 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी और ऐसे में धोनी के साथ ड्वेन प्रिटोरियस क्रीज पर आए। टीम में वापसी कर रहे प्रिटोरियस ने 18वें और 19वें ओवर में जयदेव उनादकट और बुमराह के खिलाफ 25 रन बटोरे, जिसके बाद आखिरी ओवर में जीत के लिए अब 17 रनों की दरकार थी। उनादकट ने पहली गेंद पर प्रिटोरियस का विकेट हासिल कर लिया और फिर क्रीज पर आए ब्रावो ने एक रन लेकर धोनी को स्ट्राइक दी। अब आखिरी 4 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी, जिसे धोनी ने 1 छक्का और 2 चौके जड़कर हासिल कर लिया। धोनी सिर्फ 13 गेंदों में 28 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस तरह आईपीएल 2022 में महेंद्र सिंह धोनी की आखिरी ओवर्स में तूफानी बैटिंग के चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। इस नतीजे के बाद सीएसके के कप्तान रविंद्र जडेजा उनके सामने नतमस्तक हो गए, साथ ही अंबाती रायडू ने भी एमएस धोनी की फिनिशिंग को देखकर उन्हें हाथ जोड़ लिए। मैच के नतीजे के बाद मुंबई इंडियंस के कई प्लेयर्स धोनी के खेल के मुरीद हो गए। वहीं सीएसके का खेमा तो पूरी तरह उनके सम्मान में दिखा। मैच जीतकर जब धोनी ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तब रविंद्र जडेजा ने उन्हें झुककर सलाम किया। सीएसके के कप्तान ने एक तरफ से मैच फिनिश करने के लिए धोनी को शुक्रिया कहा। वहीं टीम के सीनियर बल्लेबाज अंबाती रायडू भी इसी अंदाज में दिखे। उन्होंने धोनी से हाथ मिलाने से पहले उन्हें हाथ जोड़ लिए और दिखाया कि उनकी काबिलियत को वो सलाम करते हैं। सीएसके के बाकी खिलाड़ी भी एमएस धोनी के खेल से काफी प्रभावित दिखे। सीएसके के बैट का काम करने वाले स्पोर्ट्स स्टाफ के एक मेंबर ने तो उन्हें सैल्यूट भी किया। वहीं दोस्तों पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रविंद्र जडेजा ने धोनी और मैच के आखिरी ओवर्स को लेकर खुलकर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा, जिस तरह से मैच जा रहा था हम काफी तनाव में थे, लेकिन हम जानते थे कि खेल का महान फिनिशर खेल रहा है और अगर वो अंतिम गेंद तक खेलता है तो मैच खत्म करके ही आएगा। धोनी ने दुनिया को दिखा दिया कि क्यों वो अब भी मैच के फिनिशर हैं। धोनी को मैं बहुत सालों से देख रहा हूं, पर मुझे पता है वो क्या कर सकते हैं। उनको अच्छे से पता है कि मैच को कैसे फिनिश करते हैं और आज भी उन्होंने वही करके दिखाया और युवा बल्लेबाजों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि गेंद को कैसे फिनिश करते हैं। धोनी को इस तरह बल्लेबाजी करते देख मजा ही आ गया। मैं हमेशा से धोनी का फैन रहा हूं और उन्हें मैं दुनिया का बेस्ट फिनिशर मानता हूं, इसलिए मैच के बाद मैंने उन्हें झुककर सलाम किया। तो दोस्तों क्या आप भी जडेजा की बात से सहमत हो? क्या आप भी धोनी को दुनिया का बेस्ट फिनिशर मानते हो? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।